गाइस आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि MI ऑटो सर्च ओपन प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो गाइस पहले तो आपको ये पता होना जरूरी है कि MI ऑटो प्रॉब्लम सॉल्व किसे कहते हैं। तो गाइस यहां पर आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, नीचे से ऊपर की ओर स्वाइप करने पर आपको यहाँ पर सर्च का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ से आप ऐप्स को सर्च कर सकते हैं। तो गाइस ये आपको बार बार दिखाई दे रहा है, जितना बार आप नीचे से ऊपर करेंगे तो उतना बार आपको दिखाई दे रहा है, इसे आप बंद करना चाहते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा कि इसे आप कैसे बंद कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बने रहे शुरू से लेकर एंड तक, बट आगे बढ़ने से पहले आप सभी से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब की है तो हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। यहां पर इसी तरह के रिलेटेड वीडियो अपलोड होता है और आगे भी होता रहेगा। तो गाइस चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आ गए हैं और यहां पर आपको साइड में मेरा मोबाइल का स्क्रीन दिखाई दे रहा है। तो गाइस जैसे ही मैं नीचे से ऊपर की ओर कर रहे हैं तो यहां पर आपको सर्च का आइकन दिखाई दे रहा है, आप इसे बंद करना चाहते हैं तो इस वीडियो में बने रहे। तो गाइस यहां पर आपको 3 लाइन का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर सबसे नीचे में आपको एक सेटिंग का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ओपन सर्च अफ्टर ओपनिंग एप्स ड्यूरेशन, इसे आप डिसेबल कर देंगे तो आपको ये ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। तो गाइस यहाँ पर देखिए ये ऑप्शन मुझे देखने को नहीं मिल रहा। तो गाइस यहाँ पर आपको ये सेटिंग का ऑप्शन नहीं दिया है तो आपको सेटिंग को ओपन करना है। सेटिंग को ओपन करने के बाद गाइस यहां पर स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे की ओर आएंगे तो नीचे में आप सभी को होम स्क्रीन करके एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद गाइस यहां पर आपको होम स्क्रीन पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद गाइस यहां पर आपको वही ऑप्शन नीचे में दिखाई दे रहा है, यहां पर आप इसे इनेबल कर देंगे तो यहां पर मेरा देखिए सर्च आइकन दिखाई दे रहा है, इसे डिसेबल करने के बाद ये मेरा ऑप्शन नहीं दिखाई देगा। तो यहाँ पर गाइस मेरा ये इनेबल है, तो यहाँ पर जितना बार मैं नीचे से ऊपर की ओर कर रहा है उतना बार यहाँ पर सर्च का आइकन दिखाई दे रहा है, तो इसे आप इस तरीके से बंद कर सकते हैं। तो गाइस उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आए तो एक लाइक करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए दोस्तों मिलते हैं कोई और टॉपिक के साथ।